है कि खिलाड़ी अच्छा पोजीशन ले ले सर्कल में, बट सर्कल में गेट कीप करती हुई रिवेंज की टीम आपको नजर आ जाएगी। माइटी, उन्होंने स्प्रे करने का प्रयास कारल से जरूर किया बट ही वेव्स, एंड अब यहां पे फिलहाल के लिए हील करने का प्रयास, जल्दी हील नहीं कर सकते, फर्स्ट एड नहीं है, तब तक जोनाथन को मौका मिल जाएगा एक नेड करने का, एंड ये नेड माइट बी जस्ट द एंड। उनके टीम में जरूर फिनिश ऑफ हुआ है, माइटी भागने का। टीम गॉडलाइक दो टीमों को ऑलरेडी एलिमिनेट कर चुकी है और अब वो काफी करीब है मार्कोस गेमिंग के। यहाँ पे स्टार और उनके साथ हमको उनके टीममेट नजर आने वाले हैं। एक अच्छा नेड शायद ये हो सकता है जोनाथन की तरफ से, जोनाथन के उस नेड ने डैमेज काफी अच्छा किया, काफी कम एचपी पे हमको देखने को मिलेंगे डैनी, बट क्या यहाँ पे एक अच्छा और नेड जा सकता है? स्टार और डैनी एक साथ है, एक अच्छा नेड पूरी की पूरी टीम को तबाह कर देगा, बट क्या वो नेड आएगा? लीजिए आता है, यहाँ पे डैनी सच डाउन होते हुए नजर आएंगे, बट स्टार अभी भी जिंदा, जोनाथन की तरफ से फिनिश ऑफ कर जरूर दिया जाएगा, बट स्टार अब क्या कर पाएंगे? अकेले स्मोक्स डिप्लॉय किए हैं, काफी डिफेंसिव स्मोक्स हैं, स्मोक के अंदर आने का प्रयास करना होगा कहीं ना कहीं, बट स्टार यहां पे नहीं लगता ज्यादा देर तक जिंदा रह पाएंगे, बिकॉज हर तरफ से उनकी तरफ रश आ चुका है। जोनाथन स्टील्स द फाइनल किल और यहां पे मैदान पे तीसरी टीम को एलिमिनेट करती हुई टीम गॉडलाइक। एंटिटी की दो प्लेयर के साथ रहेगी, रेवेनेंट तीन प्लेयर के साथ, नीचे सेल्स के प्लेयर आपको दिखाई देंगे, बट ये कुछ अलग सेल्स के द्वारा हमें देखने को मिलता हुआ। तीन खिलाड़ी एक सिंगल व्हीकल में यहाँ पे जा जरूर है, क्या वहाँ पे फ्यूल खत्म हो गया या फिर क्या चीज हुई वो अभी भी देखना बाकी रहेगा। चलिए, फ्यूल खत्म नहीं हुआ, उन्होंने अपने एक प्लेयर को पहले आगे जाने के लिए उन्होंने बोला होगा ताकि अपनी जो छानबीन है वो पूरी कर लें, उसके बाद वो लोग आगे निकले तो उनके लिए ज्यादा बेहतर हो सकता है। बट अभी भी एंटिटी के जो प्लेयर्स हैं वहाँ पे स्पॉटेड रहेंगे, डार्क लॉर्ड सामने मौजूद है, जोनाथन ने देखा, जोनाथन ने शॉट दिया, कनेक्ट किया गया, नू वहाँ पे मौजूद रहेंगे। जोनाथन आज मोलोटोव और ग्रेनेड्स की बारिश करने आए हैं, जिस तरीके से वो यूटिलिटीज का इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत ज्यादा बेहतरीन गेम प्ले फिलहाल के लिए जोनाथन का हमें देखने को मिलता है। बाकी को वहां पे ब्लास्ट किया गया, डार्क लॉर्ड डाउन किए गए, न्यू ब्लास्ट प्लेयर बचेंगे अपनी टीम से। जोनाथन इस वक्त बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाते हुए आपको दिखाई देंगे अपनी टीम से, न्यू ब्लास्ट प्लेयर मौजूद रहेंगे, देखना ये जोनाथन एक और फिनिश अपनी टीम के लिए लेके जाने वाले, यहां पे नहीं, वहां पे रिलोड किया जाएगा, ब्लास्ट की गई पक्की, और अभी भी वो प्लेयर जोनाथन सर्वाइव कर रहा था, बड़ा आखिरी का शॉट क्लच गॉड का कनेक्ट होगा, इसी के साथ डाउन किया, खत्म हुए एंटिटी की स्क्वाड, बट जोनाथन पांच फिनिशेस के साथ नियो डाउन है, बड़े आसानी से उनको रिवाइव, चौथी टीम गेम से बाहर, गॉडलाइक की तरफ से एंटिटी चौथे पायदान पे, बट अब बचती हैं तीन टीमें इस आखिरी फाइनल फाइट में। इटसेल्फ उनके सामने नजर आ जाएगी टीम गॉडलाइक और उनके दूसरी तरफ आपको नजर आ जाएगी टीम रेवरेंट, तीन खिलाड़ियों के तीन प्लेयर्स पे वापस आ सकती है, सर्कल का एज था बट वो लोग रिवाइव नहीं कर रहे, दे आर गोइंग फॉर द फाइट। जोनाथन की तरफ से रोनक को डाउन कर दिया जाता है, उनके टीममेट फिनिश ऑफ हो जाएंगे, क्लच गॉड वहां पे एनकोर को डाउन करेंगे बिकॉज वो जानते हैं प्लेयर्स को सर्कल में आना है। सेल्स केवल दो खिलाड़ियों पे हमको नजर आएगी, आर्टेमिस और रॉक्स दोनों सर्कल में जाने का प्रयास कर रहे हैं, जोनाथन लेफ्ट देख रहे हैं, क्लच गॉड राइट, कहीं ना कहीं कुछ भी विजन मिलता है वो इस हाई ग्राउंड का एडवांटेज लेंगे। रौनक को जोनाथन की तरफ से फिनिश ऑफ कर दिया जाता है, एंड यूएमपी का फाइनल सर्कल्स में पूरा पूरा किस प्रकार से इस्तेमाल कर रहे हैं जोनाथन ये आप देख सकते हैं। छह टोटल फिनिशेस हो चुके हैं इनके अकेले के, 11 टीम के, एक और मौका मिला, एक और विजन मिला, एक को फिनिश, दूसरे को नॉक, और यहां पे रेवरेंट आखिरी खिलाड़ी क्यों यहां पे बचती हुई नजर आएगी। सप्रेसर और यूएमपी काफी कहर कॉम्बिनेशन, बिकॉज ना तो ज्यादा पोजिशन जा रही है बल्कि अच्छा कनेक्शन भी, आखिरी खिलाड़ी अब बचते हुए आपको नजर आ जाएंगे। जोनाथन क्या कर सकते हैं? आखिरी खिलाड़ी अपनी टीम से, तीन टीमें, वन वर्सेज टू का यह मुकाबला। सेल्स वो बस इंतजार कर रहे थे कि कैसे भी यहाँ पे टीम्स खत्म हो और हम उस चीज का फायदा उठाए, एक्चुअली में उनको वो फायदा हुआ भी है और बड़ी आसानी से हो सकता है कि ये चिकन डिनर वो निकाल के जाए, बट जोनाथन जैसी तबाही अगर आपके सामने यहाँ पे मौजूद रहेगी वो चिकन डिनर आपके हाथों से छीनता हुआ दिखाई दे सकता है। 8 टोटल फिनिशेस गॉडलाइक, 15 फिनिशेस के साथ आपको देखने को मिलने वाली है कोई ओवर से जोनाथन, 1v1 की फाइट होने वाली है, ग्रेनेड बहुत ज्यादा बढ़िया प्रयास है, मुझे नहीं लगता वो ठिकाने पे जाने वाला, एक्चुअली में वो ठिकाने पे गया ग्रेनेड, सामने जोनाथन आपको दिखाई देंगे, 1v1 का सिचुएशन है, डैमेज बहुत ज्यादा दिया, कोई किसी भी मिले।